रिहाना एक खुले विचार वाली लड़की होती है और वो बाहर के खाने की बहुत ही ज्यादा शौकीन होती है, जिस कारण उसका पेट हमेशा ही खराब रहता है। एक दिन की बात है, रिहाना सोफे पर बैठकर समोसे खा रही होती है। कितनी बार मना किया है बाहर का खाना मत खाया कर ज्यादा। अरे माँ खाने दो ना मुझे, कुछ नहीं होता इन सब चीजों से। कल तेरी शादी है, मत खा, पेट खराब हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे भी उल्टा सीधा खाकर सारा दिन पाद मारती रहती है पदोड़ी का हिंकी। छी 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 छी, फिर से गंदगी मचा दी लड़की ने। ये ले हाजमे की गोली और ये गंदी हरकतें छोड़ दे। अरे माँ ये तो नेचुरल है। तुझे क्या ही बोलूँ अब बेशरम लड़की, सुन जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा, हल्दी की रस्म पूरी कर ले। फिर माँ वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही शादी के दिन रिहाना मंडप में बैठी होती है कि तभी, रिहाना आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली हमारी शादी होने वाली है। खुश तो मैं भी बहुत हूँ। क्या बदतमीजी है यार, मंडप में भी पाद मार रही हो पदोड़ी। वहीं सभी लोग रिहाना के ऊपर हंसने लगते हैं, लेकिन उसे इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही रिहाना विदा होकर ससुराल आ जाती है और ससुराल में, बहू ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। सासू माँ आशीर्वाद दीजिए। सदा पाद मारती है बाबा। अरे सासू माँ कोई ढंग का आशीर्वाद दीजिए ना, क्या है ये सब। अब तू जैसा काम करेगी वैसा ही आशीर्वाद दूंगी ना बहू। अच्छा जाकर अब आराम कर लो और हाँ जाकर हल्की हो लो, शादी में कुछ ज्यादा ही खा लिया होगा। अब ये सासू माँ बात का बतंगड़ बना रही हैं। चलो छोड़ो, अभी नई नवेली हूँ, जवाब भी तो नहीं दे सकती ना। ठीक है सासू माँ मैं कमरे में जाती हूँ। पतोड़ी कहीं की पूरा घर गंदवा दी। फिर अगले दिन, बहू अरे ओ नहीं बहू, उठी नहीं क्या अभी तक। बोली मम्मी जी क्या हुआ। बात तो मार ही दी, अब इससे बुरा क्या होगा। खैर मैंने तुझे ये कहने के लिए बुलाया था कि आज तेरी पहली रसोई है, कुछ अच्छा सा बना लेना। आज तेरी ननंद भी आ रही है, कुछ काम की वजह से वो शादी में नहीं आ पाई थी। जी ठीक है मम्मी जी। और हाँ पदोड़ी आज जरा अपने पाद को कंट्रोल में रखना। ये भी कोई कंट्रोल करने वाली चीज है क्या सासू माँ, ये नेचर गिफ्ट है, इस पे तो कोई रोक न लगाओ। मूर्ख लड़की क्या ही कहूँ इससे, जा जाकर फ्रेश होकर आ जा, फिर काम भी है बहुत ज्यादा। जी सासू माँ। फिर रिहाना वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर में फ्रेश होकर रसोई में खाना बनाने लग जाती है। क्या बना रही हो भाभी। शक्कर की रोटी और मालपुए। हाँ, पदनी बैठ रसोइया खुशहाल करे गोसाइया। जाओ पहले मालपुए निकाल कर आओ फिर मालपुए बनाओ। ये क्या बदतमीजी है दीदी, मैं कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब आप कुछ भी कहेंगी। शर्म करो भाभी, सारा दिन बस पाद मारती रहती हो। खैर ये लो दवा और अब ऐसी वैसी कोई हरकत ना करना जिससे घर वालों को या किसी को पास से दिक्कत झेलनी पड़े। रिहाना दवा देती है और नंद के जाने के बाद, हाँ इनको क्या लगता है कि ये मैं जानबूझकर पाद मारती हूँ, तो ठीक है अब जब ये लोग भी पाद मारेंगे ना तब इन्हें पता चलेगा कि कैसा फील होता है। फिर रिहाना खाने में गैस बनाने वाली दवा मिला देती है, जिस कारण खाना खाने के बाद घर के सभी लोग पाद मारने लगते हैं। अरे पदोड़ी ये खाने में क्या मिला दिया है जो हम लोगों के पेट में गैस का गुब्बारा बनने लगा। ना जाने कहां से मेरे भाई को पदोड़ी भाभी पसंद आ गई। इसके बाद घर के सभी लोग पाद मारने लगते हैं, जिस कारण पूरे घर में बदबू आने लगती है। छी ये लोग पूरे घर में पाद पाद कर कितनी गंदगी मचा दिए हैं। रिहाना ये तूने क्या कर दिया, खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली, अब देखो कितनी बदबू आ रही है, सांस भी नहीं ली जा रही है। क्यों रिहाना अब समझ आया कि हम लोगों को कैसा फील होता होगा। अरे जब तुम घर में पाद मारते हुए घूमती हो तो कैसा लगता है हम सबको। हाँ जी मैं समझ गई हूँ। फिर रिहाना सभी को ठीक होने की दवा देती है और थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो जाता है। बहू
अब शायद तुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अब मुझे भी पदौड़ी बीवी नहीं चाहिए। आप लोग मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं अपने खान पान का पूरा ख्याल रखूंगी और अच्छे से डॉक्टर से अपने कब्ज का चेकअप करवाऊंगी और अब ऐसी कोई गंदी हरकत नहीं करूंगी। देर आए दुरुस्त आए, कुछ नहीं, मेरी भाभी को सद्बुद्धि तो आई। फिर रिहाना अपने खाने पीने पर पूरा ध्यान देती है और अपनी पाद मारने वाली गंदी आदतों से छुटकारा पाकर अपने ससुराल में खुशी से रहने लगती है।